नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। बात करेंगे 23 नवंबर 2021 के राशिफल की। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और आपके लिए मैं कुछ बेहतरीन चीज लेकर आया हूं, जिसको पहनने से, जिसको खरीदने से आपके जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। देखिए, साल 2021 है माँ लक्ष्मी का, धन लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का। और ये सात मुखी रुद्राक्ष का ये जो आप पेंडेंट देख रहे हैं, इस पेंडेंट के अंदर ताकत है माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसाने की। सात मुखी रुद्राक्ष में सात देवियों का आशीर्वाद होता है, सात मुखी रुद्राक्ष में सात देवियों का आशीर्वाद और सात सर्पों का भी आशीर्वाद होता है। आपके जीवन में इतनी बड़ी परेशानी आ जाए जो सांप के जहर के बराबर हो, तो भी ये सात मुखी रुद्राक्ष आपको मुक्ति दिला देगा। सात मुखी रुद्राक्ष शनि की 7.5 से 100% आपको सुरक्षा देता है, काल सर्प दोष से सुरक्षा देता है, आपको किसी भी प्रकार के शनि राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति देता है। ये सात मुखी रुद्राक्ष माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। जिसके पास सात मुखी है उसके पास माँ लक्ष्मी है। 2022 में अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो ये रुद्राक्ष आपके पास होना चाहिए। ये सात मुखी नेपाली रुद्राक्ष चांदी में मढ़ा हुआ और विद सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा प्राण प्रतिष्ठित, जिसकी कीमत होगी 3,500 रुपये। जो भी लोग खरीदना चाहते हैं खरीदें। और एक बात आपको बता देता हूँ, ये रुद्राक्ष सारी जिंदगी आप पहन सकते हैं, यानी कि ये कभी एक्सपायर नहीं होता। इसकी जो महिमा है वर्षों तक चलती रहती है, महिला पुरुष सभी पहन सकते हैं। इस रुद्राक्ष में ताकत है आपके सभी छोटे बड़े पापों को नष्ट करने की। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इसका कोड है L7। बात करेंगे मेष राशि की। आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके घर में खुशियाँ और प्रसन्नता उल्लास बना रहेगा। आपसी तालमेल से आप लोग बहुत खुशियाँ पाएंगे। गुप्त रास्तों से आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आप प्लॉट मकान कुछ खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप खरीद पाएंगे या उसके सौदे कर पाएंगे। सभी क्षेत्रों में जीवन साथी का बढ़िया साथ प्राप्त होगा। आपको बहुत अच्छी एकाग्रता मिलेगी। ध्यान पूर्वक आज आप सभी काम कर पाएंगे। दिमाग जो है सही जगह पर लगा होगा। दिन अनुकूल रहेगा। आप अपने कामों को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। आपको धन लाभ होगा। प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे। रोमांटिक जीवन बढ़िया रहेगा। आप अपने चाहने वालों के साथ वक्त बिता पाएंगे। आपका दिन हर तरीके से खुशियां आज आपको दे रहा है और आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलने वाला है। धार्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी दिन बढ़िया कहा जाएगा। परिवार वालों की तरफ से, जीवन साथी की तरफ से आपको कोई बढ़िया उपहार या कोई बढ़िया खबर मिल सकती है। हम बात करेंगे वृषभ राशि की। आज कड़ी मेहनत करने का दिन होगा। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी भी अपने मन की बात को पूरा करने के लिए थोड़ा सा कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। आप अपनी हिम्मत से, अपने अथक प्रयासों से मुश्किल चीज़ों को भी पूरा कर पाएंगे। आपके छोटे भाई बहन का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके संबंध बहुत मधुर बने रहेंगे परिवार वालों के साथ। आपके बच्चे आपको शुभ समाचार सुनाएंगे। प्रेमी प्रेम का युगल जोड़े जो है, जो जवान लोग हैं जो अभी भी नए प्रेम संबंधों में हैं या जिनके पुराने प्रेम संबंध हैं, उनमें प्रसन्नता बनी रहेगी। या समय किसी नए व्यापार में निवेश करने के लिए शुभ नहीं है, लेकिन प्लानिंग करने के लिए अच्छा है। रणनीति आज बनाई जा सकती है। आज का दिन कड़ी मेहनत के बाद आपको सफलता जरूर देगा। आपका भाग्य प्रबल रहेगा। आप अपने सभी कामों में सफल रहेंगे। आपके ऑफिस में आपका मन लगेगा। काम में मन लगाकर आप काम करेंगे। साथ में आपके साथ काम करने वाले लोगों का भी आप ख्याल रखेंगे, वो आपका ख्याल रखेंगे। वातावरण बढ़िया बना रहेगा। कुछ लोगों को विदेश जाने की खुशखबरी का सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में एक दिन बढ़िया बीतने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत संघर्ष रहेगा, जिसकी वजह से कभी कभी आपका मूड बिगड़ सकता है। मिथुन राशि की बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए संग्रह करने के लिए, चीजों को इकट्ठा करने के लिए, चीजों को जानने के लिए बहुत ही बेहतर है। आप किसी नए काम में निवेश करना चाहते हैं तो यह दिन बहुत ही उत्तम रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की तरक्की हो सकती है। आपके घर में मेहमान आ सकते हैं।
आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। छोटे बच्चों की शिक्षा आरंभ करने के लिए समय शुभ है। यदि आप किसी से तनाव में हैं, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मन में परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो आज दूर हो जाएगा। आज आप कोई लड़ाई झगड़ा निपटाना चाहते हैं तो वो भी निपट जाएगा। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके लिए दिन हर एक तरीके से बढ़िया है। आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। आपके चेहरे पर खुशी जाहिर होगी। धार्मिक रूप से आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे। आप अपने विरोधियों को भी परास्त करने में आज सफल रहेंगे। प्रेम जीवन के लिहाज से समय काफ़ी अनुकूल है। आप किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। परिवार का वातावरण बढ़िया बना रहेगा। लोग हंसी खुशी में आज दिन बिताएंगे। ससुराल पक्ष का योगदान भी विवाहित जोड़ों को मिलेगा। बिजनेस में अच्छे नतीजे मिलेंगे और आपकी मेहनत का एक शानदार रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए काफी बेहतर कहा जा सकता है। कर्क राशि की बात करें तो आज का दिन पूर्णता का है। विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अध्ययन करेंगे। व्यापारी लोग आत्मविश्वास से अपने कार्य करेंगे, खूब धन कमाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको आपके रिश्तेदारों परिवार वालों की तरफ से विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। जीवन साथी से आपके संबंध बहुत बेहतर बने रहेंगे। आपको हर तरीके का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आज दिन की शुरुआत थोड़ी सी परेशानी भरी होगी, लेकिन 10-11 बजे के बाद सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा। आप अपनी बुद्धिमानी से सभी चुनौतियों को जूझने में कामयाब रहेंगे। प्रेम जो लोग प्रेम जीवन में हैं, जो लोग रोमांटिक रिश्तों में हैं, उनके लिए दिन अनुकूल थोड़ा सा नहीं है। आज अपने प्रियतम से थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और व्यापार के सिलसिले में अच्छे नतीजे मिलेंगे। कानून के विरुद्ध जाकर कोई भी गलत काम मत करिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी होगा। कामकाज के सिलसिले में आज दिन आपको व्यस्त रखेगा। परिवार वालों के लिए भी फिर भी आप वक्त निकाल लेंगे। थोड़ा सा संघर्ष, लेकिन उसके बाद सफलता भी आज कर्क राशि वालों को मिल जाएगी। बात करेंगे सिंह राशि की तो आज आपके उत्साह वर्धन किए जाने की संभावनाएं हैं। आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी रहेगी। आपका व्यय, आपका खर्चा काफी बढ़ सकता है। खान पान के मामले में सावधान रहें। कुछ आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। विद्यार्थी निरर्थक गतिविधियों में अपना समय नष्ट करेंगे। व्यापारी लोग लंबी यात्रा पर जाएंगे, जिसका परिणाम आशाजनक नहीं होगा। आज का दिन बढ़िया तभी बीतेगा जब आप सोच समझ कर काम करेंगे। आपका व्यवहार सभी से बढ़िया रखने की कोशिश रखिएगा। लोगों की तरफ से आपको थोड़ी बहुत प्रशंसा मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ भरी रहेंगी। जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे, लेकिन रोमांटिक पल तभी बिता पाएंगे जब आप सामने वाले को खुश कर पाएंगे। जो आज के दिन की शुरुआत है वो जीवन साथी के साथ नानुकुर से शुरू होगी, लेकिन दोपहर के बाद वक्त अच्छा होगा जब आप अपने जीवन साथी को मना लेंगे, फिर आप एक रोमांटिक पलों में चले जाएंगे। और अगर देखा जाए तो पूरे दिन का जो अधिकतर हिस्सा है वो खुशियों में बीतेगा दाम्पत्य जीवन में। शुरुआती भाग जो है दिन का वो थोड़ा सा कष्टों में बीत सकता है। आज आपका प्रिय आपसे कुछ अच्छी बातें कर सकता है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। प्रॉपर्टी के मामले में लाभ मिलेगा। परिवार का वातावरण सामान्य नहीं रहेगा। परिस्थितियां परिवार को लेकर थोड़ी सी डावाडोल बनी रहेंगी। कन्या राशि की बात करें तो आज आप अधिक धन कमाएंगे। आपके चिर परिचित सपने पूरे हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आज आप अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक होंगे। आज आप भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त करेंगे। फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। खर्चे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। मानसिक रूप से आपको प्रसन्नता मिलेगी। मानसिक तनावों से मुक्ति मिलेगी। काम काज में सफलता मिलेगी। काम के सिलसिले में किए गए प्रयास में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कम वक्त कम मेहनत में अच्छी सफलता मिलेगी। परिवार वालों का दबाव आपके ऊपर हो सकता है शादी को लेकर। आज आपके परिवार वाले आपके लिए रिश्ते ढूंढ कर ला सकते हैं। आपके मन में जो है खुशियों के लड्डू भी फूटेंगे। आज आप जो वैवाहिक जोड़े हैं वो भी अच्छा दिन बिताएंगे। संतान को लेकर छोटी मोटी समस्या हो सकती है। आज घर में खुशियां बनी रहेंगी। तुला राशि की बात करें तो आप अपने अधिकारियों का सम्मान और सम्मान करेंगे और उनका सहयोग से आपकी तरक्की हो जाएगी। व्यापारी वर्ग अपने व्यवसाय में निरंतर कोशिश करता रहेगा, आगे बढ़ने की योजना बनाएगा जिसमें वो सफल भी हो जाएगा। आप अपने अध्ययन को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे, जो भी पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं। जीवन साथी प्रसन्नचित रहेगा, संतुष्ट रहेगा आपसे। आप अपने बच्चों के व्यवहार से
थोड़े से नाराज हो सकते हैं। आज आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं लेकिन अनुशासन भंग करने में माहिर होंगे। आज आपकी आमदनी आज बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। आज का दिन प्रयास करने से बहुत ही बढ़िया हो सकता है। कुछ कमियों को सुधारने की जरूरत पड़ सकती है। आपको प्रेम जीवन में खुशी भरने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। आप शादीशुदा है तो दाम्पत्य जीवन में आपको अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए भी कोशिश करनी पड़ सकती है। वैसे तो अच्छा दिन है लेकिन कई बार किसी किसी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आप विद्यार्थी हैं तो कला के क्षेत्र से अगर संबंध रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया नतीजे होंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। काम के सिलसिले में दोपहर के बाद स्थितियां कहीं बेहतर होंगी और शाम 5 बजे के बाद सब कुछ सामान्य से बहुत बेहतर हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा जो उतार चढ़ाव लेकर आएगा लेकिन धीमे धीमे शाम को बहुत सारी खुशियां भी देकर जाएगा तुला राशि वाले जातक जातिकाओं को। बात करेंगे वृश्चिक राशि की तो आज आपके लिए सफलता प्राप्ति का दिवस है। आपकी संतान उन्नतिशील रहेगी। विद्यार्थी पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास से अध्ययन कार्य में लगे रहेंगे। जीवन साथी से आपके संबंध मधुर होंगे। प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर प्राप्त होगा। यह समय सट्टेबाजी में निवेश करने के लिए श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप प्रसन्नचित रहेंगे। आपके लिए दिन अनुकूलता भरा है। इशारा कर रहा है कि आज काफी लाभ होंगे, काफी खुशखबरियां प्राप्त होंगी। काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, काम बढ़िया रहेगा। बाकी सभी कामों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आज आपको अपनी जो है प्रतिभा या हुनर दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे। दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। परिवार में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। हम बात करने वाले हैं धनु राशि की। आज आप बहुत दूर से रुके हुए धन को प्राप्त कर पाएंगे। सट्टेबाजी शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए समय शुभ है। अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। दिल खुश होगा। जरूरतमंद लोगों की सहायता कर पाएंगे। गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें। कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। भावुकतावश कोई निर्णय ना लें। आज आप अपने बच्चों का साथ और सहयोग प्राप्त करेंगे। आज का दिन अनुकूल है। ट्रेवलिंग करने में समय लगेगा। ट्रैवल में बहुत ज़्यादा वक्त बीतेगा। ट्रैफिक वगैरह में भी फंस सकते हैं। आपके रिलेशनशिप बढ़िया बने रहेंगे। आज आपकी कोई गुप्त बात किसी को पता चल सकती है। परिवार वालों का माहौल बढ़िया नहीं रहेगा आपके प्रति, तो अपना पूरा ध्यान लगाएं परिवार वालों की सेवा में। काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे मिलेंगे। धन लाभ होगा। खर्चों पर नियंत्रण होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पढ़ाई लिखाई में बच्चे बढ़िया रहेंगे। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। जीवन साथी को कहीं घुमाने का विचार बन सकता है। मकर राशि की बात करें तो आप परिवार वालों के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं। घूमने फिरने का या टीवी देखने का प्रोग्राम होगा घर पर ही बैठकर। अविवाहित लोगों को मित्रों या सगे संबंधियों के जान पहचान से कोई रिश्ता मिलने की संभावना है। आपके मित्र आपके जीवन साथी आपसे खुश रहेंगे। आपको कोई बढ़िया उपहार भी मिल सकता है। और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा। अन्यथा किसी गुप्त रोग मूत्र संबंधी रोग की वजह से परेशान होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन आनंद प्राप्ति का है, सुविधा और साधन जुटाने का है। तो आप अपनी मीठी मीठी वाणी से सभी का दिल जीतने की जो कोशिश करेंगे उसमें अधिकतर लोगों का दिल जीत पाएंगे। धन उद्देश्य के लिए यह समय अनुकूल है। आप बहुत कुछ बेहतर करने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया ठीक रहेगा। आपको थोड़ा सा सर्द गर्म से बचना चाहिए। एकदम से एसी से गर्मी में नहीं जाना चाहिए, गर्मी से एसी में नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि थोड़ा मौसम का जो क्लाइमेट है ना, कहीं सर्दी है कहीं गर्मी है, ऐसे में बुखार वगैरह चढ़ जाता है या थोड़ा सा शरीर लथार्जिक फील करने लगता है। ये समस्या आ सकती है। परिवार का वातावरण आपको बहुत सारे मौके देगा आगे बढ़ने के। और प्रेम जीवन को अगर देखा जाए जो प्रेमी प्रेम का है तो वो भी आज कुछ ऐसी बात अपने सामने वाले को बोलेंगे कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करके आपसे कोई बढ़िया वादा कर सकता है या कर सकती है। बात करेंगे कुंभ राशि की तो आज संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने अध्ययन में व्यस्त रहेंगे। अच्छा परिणाम प्राप्त होगा पढ़ाई लिखाई में। प्रेमी प्रेम का एक दूसरे से मिलने जा सकते हैं। व्यापारी लोगों का व्यापार बढ़ेगा। जीवन साथी से संबंध उत्तम रहेंगे। आज का दिन अनुकूल है। लोग आपके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे। प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है। कोई नया वाहन लेने की दिशा में प्रयास करेंगे। धन का पूरा लाभ मिलेगा। धन अच्छे रास्तों से आएगा, अच्छी जगहों पर खर्च होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में सुखद नतीजे प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में अच्छा मिठास भरा दिन रहेगा। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। मीन राशि की बात करें तो आज का दिन प्रसन्नता भरा रहेगा। आप अपने बच्चों के साथ शुभ समाचार प्राप्त करेंगे। घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे। कोई नया प्रेम संबंध स्थापित होने की संभावना है। आप अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी और बुद्धिमत्ता और निष्ठापूर्वक करेंगे। आज का दिन आप सट्टेबाजी जुआ शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं क्योंकि आज का दिन
सौभाग्य का है। विद्यार्थी अपनी एकाग्रता को भंग कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में बच्चे थोड़े पीछे रहेंगे। व्यापारी लोग नए उद्योग को लगाएंगे, नौकरी करने वाले लोग नौकरी में उन्नति करेंगे। आज का दिन मध्यम फलदायक है लेकिन बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बेमतलब के खर्चों से बचना होगा, बेमतलब के लोगों से बचना होगा, अपने वक्त और पैसे के नुकसान से बचना होगा। काम की तारीफ होगी उसके बावजूद भी बॉस से छोटी मोटी अनबन हो सकती है। परिवार का वातावरण ठीक रहेगा लेकिन मन में कुछ ना कुछ और अच्छा करने की भावना जागृत होती रहेगी। शिक्षा में थोड़े बहुत तकलीफें आ सकती हैं। शादीशुदा जीवन जो है वो सुखद रहेगा लेकिन संतान की वजह से आज आप थोड़े से टेंशन में हो सकते हैं। ये था 12 राशियों का राशिफल। उम्मीद करता हूँ आपको आपकी राशि का हाल पता चल गया होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ आपके साथ घटित हो सकता है। हनुमान जी की और शिव जी की प्रार्थना करिए और ये जो L7 का 7 को फिर रुद्राक्ष है इसको ऑर्डर करिए, क्योंकि ये है तो महालक्ष्मी आपके साथ है। हरिओम, नमस्कार।